हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए फेशियल, मसूर दाल फेशियल। मसूर की जो दाल होती है वो बहुत ही अच्छी ब्राइटनिंग देती है हमारी स्किन को, और हमारे फेस से जो दाग धब्बे होते हैं उसको रिमूव करती है, और जो टैनिंग होती है उसको भी रिमूव करता है। तो फ्रेंड, चलिए इसे कैसे बनाना है और इसको कैसे लगाना है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मसूर की दाल, तो जो मैंने पीस के रखी हुई है, ये देखिए मसूर की दाल मैंने पीस के रखी हुई है। अब हम इसको एक बाउल में ले लेंगे, एक चम्मच के करीब। हम फेस के लिए बना रहे हैं हम, तो आधा चम्मच ही ले लेंगे, आधा चम्मच काफ़ी है फेस के लिए, ठीक है। और हम इसमें मिक्स करेंगे बेसन आधा चम्मच, ठीक है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारी स्किन में ब्राइटनिंग देता है, नरिशिंग देता है, हमारी स्किन को टाइट करता है। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हम इसमें मिक्स करेंगे दही, आधा चम्मच हम इसमें करेंगे दही। दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है और बहुत ही अच्छा होता है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशिंग करता है, टैनिंग निकाल देता है, जो हमारे फेस पे दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं जल्दी, उसको भी ये दूर करता है, ठीक है फ्रेंड। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, ठीक है। और इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा शुगर, शुगर का हमें पाउडर ले लेना है आधा चम्मच। जो शुगर पाउडर है ना, बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, आधे चम्मच से कम इसको हम ले लेंगे। ये बहुत ही अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है। हम इसको शुगर पाउडर, हम अगर हमारे पास नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, जो मिक्सर जार होता है ना उसमें डालेंगे चीनी को और ग्राइंड कर देंगे, फाइन पेस्ट बन जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या क्या ले लेना, मसूर दाल, ठीक है, और हमने बेसन लिया है और दही लिया है और हमने शुगर पाउडर लिया है, चीनी पाउडर लिया है। इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमें फ्रेंड क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन कर लेना चाहिए। कोई भी रेमेडी हम लगाते हैं, बाहर का फेस पैक या कुछ भी लगाते हैं, या फिर घर में जो भी बनाते हैं हम, जो भी हमारे फेस पे धूल मिट्टी जमा हो जाती है या फिर पसीना जमा हो जाता है, इससे क्या होता है, हमारे जो स्किन पे दाने हो जाते हैं, उसके बाद हम रेमेडी लगा लेंगे तो वो चिपक जाते हैं, हमारे इन्फेक्शन हो सकता है, दाने वगैरह निकल सकते हैं। तो ये रेमेडी मैंने इस तरीके से बना ली है, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रखनी है ताकि ये गिरे ना, ठीक है फ्रेंड। मैं इसको पूरा लगा के दिखाऊँ, अगर आपको हाथ पैर पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, और इसको हम बना के भी रख सकते हैं दो दिन के लिए। लेकिन होम रेमेडी अगर आप इंस्टेंट बनाते ना तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है टाइम तो इसको हम बना के भी रख सकते हैं, और जब भी हमें टाइम मिलता है इसको हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड, हम इसको पूरे फेस पे लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपने पूरे फेस पे इसको लगा लिया है। तो हमें इस तरीके से मसाज करनी है अपने फेस पे, पूरे सर्कुलर मोशन में करनी है, फेस पे, गालों पे, चिक पे, इस तरीके से मसाज करेंगे, जो भी हमारे फेस पे टैनिंग है, धूल मिट्टी जमा है, वह सब रिमूव हो जाएगी, और हमारे जो पोर्स हैं वह भी खुल जाएंगे, और डेड सेल्स हैं वह भी रिमूव हो जाएंगे, और जो हमारी लिप्स, अपर लिप्स के ऊपर ब्लैकनेस जमा हो जाती है वह भी रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से हमें मसाज करनी चाहिए। अगर हमें अच्छे से मसाज नहीं आती तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें अच्छे से मसाज करेंगे तभी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो हमें हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस की मसाज करनी है, और फोर हेड की इस तरीके से राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में इस तरीके से करेंगे ना आप, तो जो आपके डेड सेल्स हैं वह रिमूव होंगे,
और टैनिंग है वो सब रिमूव हो जाएगी। तो हमें 10 से 15 मिनट इसको इस तरीके से मसाज करना है। और आंखों के नीचे इस तरीके से हमें मसाज करनी है, जैसे जो हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं वह भी धीरे धीरे रिमूव होंगे। और इस तरीके से ऊपर की तरफ हम मसाज करेंगे, जो हमारी झाइयाँ होती हैं और जो रिंकल्स आ जाते हैं तो वह भी नहीं आएंगे। इस तरीके से हम मसाज करेंगे तो हमारी स्किन टाइट रहेगी और हमारे फेस पे रिंकल्स जल्दी से नहीं आएंगे। और इस तरीके से मसाज जरूर करनी चाहिए, इससे जो हमारे सेल्स होते हैं वह खुलते हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन है वह भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन में जो रेमेडी है वह जाती है और अपना वर्क करती है। आइस के ऊपर से इस तरीके से करना है, आँखों में ना जाए। इस तरीके से हम 15 मिनट मसाज कर लेंगे। तो 15 मिनट मेरे हो चुके और मैं वॉश करके, नॉर्मल पानी से ही हमें फेस को वॉश करना है। तो देखिए फ्रेंड, मैं वॉश करके, फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, बिल्कुल नॉर्मल पानी से ही मैंने किया। एक बात और ध्यान रखनी फ्रेंड हमें, ये जो होम रेमेडी फेस पैक लगाते हैं या फेशियल बनाते हैं या लगाते हैं, उसके बाद हमें फेस वॉश यूज़ नहीं करना है और ना ही कोई साबुन यूज़ करना है, तभी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड, मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई, नरिशिंग हो गई, देखिए कितनी क्लीन हो गई है। ये देखिए मेरी गर्दन और फेस की स्किन इस तरीके से। आप इस रेमेडी को बना के रख सकते हैं और अगर ज़्यादा बन जाती है या फिर हमें ज़्यादा बनानी है अपने हाथ पैर पे, गर्दन पे, इस तरीके से हम पूरे बैक पे, नेक पे लगा सकते हैं इसको, पैर पे, हाथ पे, फुल बॉडी पे भी इसको हम लगा सकते हैं। फुल बॉडी पॉलिशिंग का भी ये काम करता है, तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। इस तरीके से आप भी बनाइए और इसे लगाइए पूरे फेस पे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है फ्रेंड तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। और मेरे को 1 साल हो गया है वीडियो बनाते हुए, तो फ्रेंड मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पर व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं और मेरी वीडियोज़ में अगर थोड़ी सी भी कोई भी कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं। अपनी तरफ से तो मैं अच्छा ही बनाने की कोशिश करती हूं, अच्छा ही बताती हूं सारा कुछ, फिर भी अगर आपको कोई कमी नज़र आती है, आप लोग तो और वीडियोज़ वगैरह भी देखते रहते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो इसमें मुझे क्या ऐड करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो फ्रेंड। थैंक यू।